बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉन्ड्स ट्रिपल विटामिन लोशन का रिव्यू, जो मेरे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पॉन्ड्स ट्रिपल विटामिन सिल्की स्मूथ स्किन मॉइस्चराइजिंग लोशन, और इसमें शामिल है विटामिन B3, E और C, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये इसमें ट्रिपल विटामिन शामिल हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा फेस लोशन है ये, और ये आप फेस पर, बॉडी पर, हैंड पर, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लोशन है ये, पॉन्ड्स इंटरनेशनल ब्रांड है, पूरी दुनिया में जाना माना ब्रांड है, जो कि हर कोई यूज़ करता है। और इसमें आपको पॉन्ड्स में पाउडर मिल जाएंगे, फेस वॉश मिल जाएंगे, ब्यूटी क्रीम्स मिल जाएंगी, फेस वॉश, ब्यूटी सॉप मिल जाएंगे, जो कि मैंने यूज़ किए हुए हैं, और नेक्स्ट जब मैं यूज़ करूँगा तो आपके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगा। पॉन्ड्स मुझे पर्सनली तो इतना पसंद नहीं था, इतना अच्छा नहीं लगता था, और ये वाला जो न्यू है पॉन्ड्स ट्रिपल विटामिन, ये काफ़ी अच्छा है, और सर्दियों के हवाले से बहुत अच्छा है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उनके लिए बेस्ट है, और जैसे कि अब सर्दियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, ड्राइनेस और सर्द मौसम शुरू हो गया है, सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, और अभी से ही हो गई है, स्किन ड्राई होने लगी है, खुशक हवाएं चलने लगी है, खुशक सा मौसम हो गया है, तो उसके लिए मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है, मॉइस्चराइज़र की किसी भी अच्छे, तो ये बेस्ट है फेस के लिए भी, बॉडी के लिए भी, हैंड के लिए भी। मैं मोस्टली जो है इसे हाथों पर और अपने पैरों पर यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे सर्दियों में ये अक्सर प्रॉब्लम होती है कि मेरी जो पाम्स है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, ड्राइनेस फील होती है, और मेरे जो पैरों की जो स्किन है नीचे वाले साइड की वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो मैं इस तरह के मॉइस्चराइजिंग या कोल्ड क्रीम यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है, और ये अच्छा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक्सपायरी डेट और इसकी प्राइस भी मेंशन है, 370 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, और ये पाकिस्तानी ब्रांड है यूनिलीवर की। यूनिलीवर पूरी दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है और कर रही है। ये 200 ml की प्लास्टिक बोतल है, मैं इसे खोल कर दिखा देता हूँ। इस तरह का कैप है ये, और काफ़ी अच्छा है, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है ये, और ड्राइनेस को दूर करता है, कोई चिपचिप नहीं होती, हल्का सा ऑयलेस फ्री फील होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फील नहीं होता, और ये अच्छे से स्किन में जज्ब हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है, और अच्छे से मॉइस्चराइज करती है स्किन को। ये देखें, काफ़ी मॉइस्चराइज कर दिया, तो मुझे तो बहुत अच्छा है, पसंद आया, लाइट सा है, लाइट वेट है, और स्किन के हवाले से बहुत अच्छा है। फेस पर यूज़ करें, बॉडी पर यूज़ करें, ऑल इन वन ये लोशन है, काफ़ी अच्छा है, और फ्रेग्रेंस भी काफ़ी लाइट सी है, मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें आपको आलमंड वाला भी मिल जाएगा, हनी वाला भी मिल जाएगा पॉन्ड्स में, और ये मिल जाएगा विटामिन वाला, काफ़ी अच्छा है, सिल्की स्मूथ स्किन। और यहाँ पर देखें, काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है, इस्तेमाल करने का तरीका और एक्सपायरी डेट और इसके इंग्रेडिएंट्स, बस आपने इसको, ये सर्दियों के यूज़ के लिए है, या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सनस्क्रीन नहीं है, आप इसको लगाकर धूप में नहीं निकल सकते, ये घर में बस आपको रात को सोते टाइम, या जो हाउस वाइफ होती है, जो लोग घर में रहते हैं या ऑफिस वर्क करने वाले, वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनका काम धूप में नहीं निकलना होता तो वो यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। 2 से 3 टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से फेस वॉश या ब्यूटी सॉप से अपने फेस को वॉश करें, उसके बाद पैर ड्राई करें और ये यूज़ कर लें, अच्छे से मॉइस्चराइज करता है स्किन को, रिंकल्स के हवाले से भी अच्छा है, रिंकल्स दूर करता है, झुर्रियों के लिए भी बेस्ट है ये, क्योंकि स्किन जब मॉइस्चराइज होगी तो ऑटोमेटिकली झुर्रियाँ दूर जाएंगी। काफ़ी अच्छा है, मेल फीमेल बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए बेस्ट है ये, और इसमें आपको छोटा साइज भी मिल जाएगा। नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।